10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में काम की खबरें, मुद्दे की बात, सीधा टू द पॉइंट आपको खबरें मिलेंगी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आप रोज हमें सिर्फ अपने 10 मिनट दे दीजिए और करंट अफेयर्स से खुद को रूबरू कर लीजिए। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा मोटिव है कि आप खुद की तैयारियां जोर शोर से करते रहें और इसी तरह हमारे बुलेटिन को लाइक करते रहें और अपने कमेंट देकर हमारा भी हौसला बढ़ाएं और अपना भी हौसला बढ़ाएं इस खास एग्जाम की तैयारी का। भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर से रूबरू होना बहुत जरूरी है। इसलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन, जिसका नाम है KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। कोविड-19 के बाद के दौर में सेशल्स के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत करेगा भारत, ऐसा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। जयशंकर ने सेशल्स के भारतीय मूल के नव निर्वाचित राष्ट्रपति वेवल राम कलावन के साथ कानून, शासन और लोकतंत्र के मूल्यों में साझा विश्वास पर आधारित दोनों देशों के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों पर चर्चा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेशल्स की 2 दिवसीय यात्रा में हिंद महासागर के इस देश के साथ कोविड-19 के बाद के दौर में रणनीतिक संबंध और मजबूत करने का संकल्प लिया। राम कलावन ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान भारत द्वारा की गई मेडिकल सहायता की सराहना की और दोनों देशों के बीच विकास और सुरक्षा साझेदारी पर बातचीत की। संयुक्त अरब अमीरात से यहां पहुंचे जयशंकर मंगलवार को शुरू हुई 3 देशों की अपनी से यात्रा के तहत बहरीन भी गए थे। भारत ने सेशल्स के राष्ट्रपति को 2021 में भारत आने का न्योता भी दिया है। विदेश मंत्री ने भारत के सागर विजन यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में सेशल्स के अहम होने की भी बात कही है। उन्होंने हिंद महासागर के इकोसिस्टम की रक्षा करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध और अनियमित तरीके से मछलियां पकड़ने, समुद्री डकैती और जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझे प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया है। अब विजन सागर के फैक्ट जान लीजिए क्या है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सहयोग के लिए भारत ने अपने रणनीतिक विजन सागर की शुरुआत 2015 में की थी। इसके तहत भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ इकोनॉमी और सिक्योरिटी में कोऑपरेशन को मजबूती देना चाहता है। भारत सूचना के आदान प्रदान, तटीय निगरानी, बुनियादी ढांचे के निर्माण और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने पर सहयोग कर रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस की। 26 नवंबर को ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के 9वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रेखांकित किया कि कैसे ग्लोबल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अलायंस ने इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम किया है। ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस एक नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP कंपनी है। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से प्रमोट किया जाता है। GITA मंच इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहित करता है। एनवायरनमेंट से जुड़ी एक खबर की बात करते हैं। प्रशांत क्षेत्र में ला नीना की वजह से IMD ने उत्तर भारत में इस बार ज्यादा ठंड रहने की प्रेडिक्शन की है। ला नीना पर डिटेल्स फैक्ट्स पर हम पिछले दिनों के बुलेटिन में बता चुके हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा, ठंड बढ़ने के साथ आप खबरों में कोल्ड वेव जैसे शब्द सुनते हैं। अब समझिए कि शीतलहर यानी कोल्ड वेव होती क्या है। दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बन रही है। अब शीतलहर क्या है, आइए जानते हैं। न्यूनतम या रात के तापमान में सिग्निफिकेंट गिरावट होने पर शीतलहर की घोषणा कर दी जाती है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के लिए IMD का मानदंड है कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए और लगातार 2 दिनों तक सामान्य न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री या इससे कम होना चाहिए। तापमान में गिरावट के कारण क्या है, आइए जानते हैं। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दिल्ली और उत्तर भारत में तापमान गिरावट का एक मुख्य कारण है। इन क्षेत्रों में बहने वाली ठंडी हवाएं पूरे उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम कर देती हैं, जिसका असर दिल्ली में भी होता है। अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली क्षमा दान पर कुछ जरूरी फैक्ट समझ लीजिए। अपने कार्यकाल के 2 महीने से भी कम समय के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को क्षमा करने के लिए संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था, जिन्हें 2 बार FBI को झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे क्षमादान कर सकते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को संघीय अपराधों यानी फेडरल क्राइम से संबंधित सेंटेंसेस को माफ करने का संवैधानिक अधिकार है। US सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये पावर ग्रांटेड विदाउट लिमिट है, यानी बिना किसी सीमा के दी गई है और कांग्रेस द्वारा प्रतिबंधित नहीं की जा सकती है। क्षमादान एक व्यापक कार्यकारी शक्ति है और विवेकाधीन है।
जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान के लिए जवाब दे नहीं है और किसी को क्षमादान जारी करने के लिए कोई कारण देने की भी जरूरत नहीं है। अब समझिए कि भारतीय राष्ट्रपति के पास क्षमादान से जुड़े कौन से अधिकार हैं। भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दंड, दमन, राहत या सजा देने के अधिकार देने या किसी भी अपराध के दोषी किसी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने या हटाने की शक्ति होगी, जहां सजा मौत की सजा है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यवाही करनी है। इनमें 1980 में मारूराम बनाम भारत संघ और 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल है। अब समझिए क्या है एथेना स्वान और ये क्यों खबरों में है। DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की जा रही न्यू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का एक फोकस विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा। महिलाओं के एनरोलमेंट और महिलाओं के करियर की उन्नति के आधार पर DST तमाम संस्थानों की ग्रेडिंग प्रणाली को शामिल करेगा। 2005 में UK द्वारा एथेना स्वान यानी साइंटिफिक वुमेन्स एकेडमिक नेटवर्क नामक एक कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसे अब कई देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। एथेना स्वान चार्टर UK में एक मूल्यांकन और मान्यता कार्यक्रम है, जो विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में जेंडर इक्विटी को बढ़ाता है। अब समझिए क्या है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। हाल ही में खबर आई थी कि हाथरस बलात्कार मामले के आरोपी ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग से गुजरेंगे। समझिए क्या होती है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BEOSP, जैसे लोग BEOSP भी कहते हैं, इसको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछताछ का एक न्यूरो मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके आरोपी की अपराध में भागीदारी की जांच की जाती है। BEOSP परीक्षण एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, जिसे मानव मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का अध्ययन करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस परीक्षण के तहत अभियुक्तों की सहमति पहले ली जाती है और फिर उन्हें दर्जनों इलेक्ट्रोड वाली एक कैप पहनाई जाती है। इसके बाद आरोपियों को दृश्य दिखाया जाता है या अपराध से संबंधित एक ऑडियो क्लिप प्ले की जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की कोई ट्रिगरिंग तो नहीं हो रही, और फिर ब्रेन वेव्स भी उत्पन्न करते हैं। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। UN एड्स रिपोर्ट 2020 की बात करते हैं। विश्व एड्स दिवस से पहले UN एड्स द्वारा जारी प्रिवेलिंग अगेंस्ट द पैनेडेमिक बाय पुटिंग पीपल एट द सेंटर कहती है कि HIV प्रतिक्रिया को तेजी से ट्रैक पर लाने और 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता के 5 साल बाद कोविड महामारी के चलते वैश्विक HIV रिस्पॉन्स ट्रैक से हट गया था और अब इसे वापस स्थापित कर दिया गया है। रिपोर्ट की हाइलाइट्स पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फास्ट ट्रैक टारगेट इस साल के अंत में हासिल नहीं हो पाए हैं। 38 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। 12 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध ही नहीं है। 2019 में 1.7 मिलियन लोग यानी करीब 17 लाख लोग HIV से संक्रमित थे और 6,90,000 लोग एड्स से संबंधित बीमारियों से मर गए थे। कोविड-19 महामारी ने हेल्थ सिस्टम पर दूरगामी प्रभाव डाल दिए हैं, जिससे HIV सेवाएं बाधित हो गई हैं। कम लोगों को HIV का उपचार मिल पा रहा है। 1/3 HIV रोगी लॉकडाउन के कारण HIV की दवाएं नहीं ले पा रहे थे। फ्लैशबैक की बात करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड को जानना और समझना भी जरूरी है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एड्स को समाप्त करने के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं बनाई थी। 10 प्रतिबद्धताओं में से कोई भी पूरी नहीं हुई है। इस बीमारी को समाप्त करने का जो लक्ष्य है 2030 तक, उसमें अब 10 साल बचे हैं। HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम UN एड्स शून्य नए HIV संक्रमण, शून्य भेदभाव और एड्स से संबंधित शून्य मौतों की अपनी विजन को प्राप्त करने के लिए दुनिया को प्रेरित करता है। UN एड्स संयुक्त राष्ट्र के 11 संगठनों UNHCR, यूनिसेफ, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN महिला, ILO, यूनेस्को, WHO और विश्व बैंक के प्रयासों को एकजुट करता है और 2030 तक एड्स बीमारी को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक और राष्ट्रीय सहयोगों के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में काम करता है। UN एड्स का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहां यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ कुछ साइट फैसिलिटीज को साझा करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक नई मेंढक प्रजाति की खोज हुई है। अपने प्राकृतिक आवास के बाहर खोजे गए एक प्रकार के मेंढक का नाम
बेंगलुरु शहर के नाम पर रखा गया है। शहर के माउंट कार्मेल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर दीपक पी द्वारा 2018 में खोजे गए मेंढक की तस्वीरें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजी गई थी। शोधकर्ताओं की टीम ने इस पर अध्ययन किया और इस मेंढक प्रजाति का नाम स्पैरोथेका बेंगलुरु रखा गया। चलते चलते जान लीजिए कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का स्थापना दिवस राष्ट्रीय दिवस है, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। नागालैंड का स्थापना दिवस भी एक राष्ट्रीय दिवस है, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ भी आ रहे हैं, सब खबरें आपको समझ आ रही हैं, ऐसे ही उम्मीद करते हैं। इसलिए इन वीडियो को आप लाइक भी कर दें, कोई बुलेटिन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। KSGIndia.com पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें जो खबरें हम बुलेटिन में चर्चा कर रहे हैं ये भी उसमें शामिल की जाती हैं। कोई बुलेटिन अगर आपसे मिस हो गया है तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लाभ उठाएं। KSGIndia.com/news पर जाकर भी आप रोजाना इन खबरों से अपडेट हो सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।